मूंछ काट दूंगी आपकी। मेरी मूंछ काट दूंगी। सीबू 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 को देख रहे हैं कैसे मुड़ मुड़ के देख रही है सीबू। मैं हेलमेट लगाया, कैमरा लगाया उसको फेस। गाइस 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 लगता है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है। इस साल की पहली बारिश और हम एंजॉय कर रहे हैं पर छतरी लगाकर, और बेसब्री से हमें इसका इंतजार था। और पीछे देखो, पीछे हमें बिट्टी नानी भी और जी यहाँ बस इसका टब लेके कर रहे हैं और काफी काफी मजा आ रहा है। और क्या पानी गिर रहा है गाइस, क्या पानी गिर रहा है, मजा आ गया। मतलब कि पूरा छत हम लोग का पूरा भर चुका था, और जिस जगह से हम लोग मतलब कि एग्जिट पानी एग्जिट होता है तो उससे से मतलब कि पानी रुका हुआ था तो दूसरी जगह से जाने लगा था। देख सकते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा पानी, ये पूरा पानी भर चुका है। और शिबू शिबू उरे तो खेल रही है भाई साहब, ओ पानी पानी पानी। और सामने देख रहे हैं लाइट से, आपको समझ में आ रहा होगा, लाइट से अंदाजा लग रहा होगा कि क्या पानी गिर रहा है। तो देखो, तो अच्छी बात यह है कि बहुत सी जगह पर सुनने आया है जहाँ मैं जाने वाला हूँ, जिस जगह जाने वाला हूँ वहाँ पर समथिंग जितने भी ब्रिज हैं बन के तैयार हो चुके हैं, एंड साथ ही बन के वो तैयार हो चुका है जहाँ से हमें जाना है। जो रास्ता है रास्ता भी बन के तैयार हो गया है। सो गाइस मैं इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी देने वाला हूँ, तो फिलहाल पानी बहुत तेज गिर रहा है। भैया सब आनंद ले रहे हैं, सब आनंद ले रहे हैं पानी की पहली इस साल की, भाई इस साल की पहली बारिश ले but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself. मूंछ काट दूंगी आपकी। मेरी मूंछ काट दूंगी। क्यों काटोगे? ऐसे ही पसंद नहीं क्या? सॉरी। क्या सॉरी? पानी का लुप्त उठाओ, लुप्त। पानी गिर ही नहीं रहा तो क्या उठाओ? उरे पानी बंद हो गया। सो गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप सभी? सो मानसून का जो मौसम था बेसब्री से जो हमें इंतज़ार था, फाइनली वो दिन आ ही चुके हैं। और देख सकते हैं वेदर कितना प्यारा है, और अभी बजे हैं समथिंग 11:15 बज गए हैं, और 11:15 में भी मतलब कि धूप तो नामो निशानी नहीं है धूप का, और बादल ही बादल हैं, और मानसूनी राइड करने में बहुत ही शानदार मज़ा आने वाला है। सो मानसूनी राइड फिर से स्टार्ट करने के लिए मैं फिर से निकल चुका हूँ अपनी बाइक को रिपेयर करवाने के लिए। सो एक्चुअली बाइक में थोड़े से फिर से काम आ चुके हैं, और ये जो गाड़ी है ये गाड़ी अपना मांग रही है, इससे मैं खून, मेरा खून मांग रही है, मेरा खून। वैसे तो ये गाड़ी मुझे अभी एवरेज दे रही है 36 का, मैंने चेक किया, और फुल टैंक में तो मैं इतना चेक नहीं कर पाया। सो एवरेज मैंने देखा समथिंग ये 36 का दे रही है, और कंपनी बोलती है समथिंग, कंपनी तो बोलती है 50 का, बट अभी स्टार्टिंग में मुझे दे रही थी ये समथिंग 45 का दे रही थी, बट अभी मैंने चेक किया तो ये 35 का दे रही है। सो गाइस इन गाड़ियों से बच कर रहना रहता है, ये टोचन करती ना एक दूसरे को, कोई यहाँ भगता है कोई वहाँ भगता है। चलो भाई साहब हम पहुँच गए हैं अपने यामा शोरूम। सो यहाँ पर करवाएंगे सर्विसिंग। सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ, ये है यामा का शोरूम, एंड शोरूम में मुझे करवाना है मतलब कि सबकी सॉकअप का भी काम करवाना है। सॉकअप का काम एक्चुअली क्या हुआ था, यहीं से मैंने करवाया था, और काफ़ी डैमेज हो गया था, पूरा चेंज करवाया था, बट यहाँ पर क्या हुआ ना, जो आयल सील है, आयल सील से मतलब ऑयल मतलब लीकेज हो रहा है, और साथ ही एवरेज भी बहुत डाउन है, और अपन ने पूरा जो हेड ब्लॉक है, हेड ब्लॉक भी अपन ने यहीं से चेंज करवाया था। सो फिर से आए हुए हैं, और जो तकलीफें हैं तकलीफों को जो दूर करना है, जैसे अपनी बॉडी में होती ना, वैसे गाड़ी को भी तकलीफ ज़्यादा हो रही है और एवरेज ज़्यादा खा रही है, मतलब जैसे अपन कभी कभी ज़्यादा खाना खाने लगता है ना तो लिमिट करना पड़ता है, तो इसी प्रकार से अपनी गाड़ी के लिए पेट्रोल ज़्यादा खा रही है तो उसको भी कम करना बहुत ज़रूरी है। चलो बॉस चलते हैं, यहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन चाहिए था हमें वो तो मिल गया है। सो गाइस अभी ऐसा है कि घर आ चुके हैं, और घर आदि के साथ आदेश क्या मिला है, आदेश ये मिला है कि भैया हमें फिर से वापस जाना है सिटी। सिटी क्यों जाना है वो आपको
कंटिन्यू रहेंगे तो आपको पता चल जाएगी हम क्यों जा रहे हैं सिटी। तो फिलहाल देखो आंसू हो गए तैयार बिल्कुल लिपस्टिक लगा के, और जिम नहीं जा रहे थे इस समय भैया। देखो दो दिन की चांदनी बाकी अंधेरी रात वाला काम हो चुका है आंसू के साथ। तो फिलहाल जल्दी से चलते हैं और आपको बताते हैं कि कहाँ जाने वाले हैं। तो सरप्राइज सरप्राइज खेल रहे हैं थोड़ा सा। सीबू 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 मेरी सीबू भैया। जाना कहीं और था जा कहीं और रहे हैं, जाना कहीं और था जा कहीं और रहे हैं, आए किसी और के लिए था और आए किसी और के लिए यहाँ पर। घर में से किसी एक भी सदस्य के साथ आओ तो उनको भैया काम ये काम वो काम। फिलहाल हम जा रहे हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। देख रहे ये माउंट का इतना ज़्यादा उपयोग है ना, इतना ज़्यादा प्रॉफिट है मतलब इसको लगाने से। यहाँ पे देखो जैसे ये चली गई थी मार्केटिंग करने अंदर साइड, और ये बिट्टू को कब तक संभालते हैं सिबू सिबू कब तक संभालते। तो एक मोटा हाथी दिखवा रहे हैं इसको, देखो यहाँ पे रखा हुआ है, चार्ज भी हो रहा है बेहतरीन। और हम चले चलते रहेंगे और माउंट होता रहेगा और देखते एक मोटा हाथी देखती रही है। सो गाइस सिबू को देखो, सिबू को इस तरीके से मगन है ना अभी, ये एक मोटा हाथी देखने में खुद ही प्ले कर लेती है और खुद ही देखने लगती है। तो सिबू को देख रहे कैसे मुड़ मुड़ के देख रही है। सिबू मैं हेलमेट लगाया है कैम लगाया उसको फेस नहीं दिख रहा ना मेरा, तो कैसे देख रही है सिबू। ओ क्या क्या देख रही है बिट्टू क्या देख रही है। तो गाइस पहुंच गए हम लोग, ये सदर है, सदर के पास लेना है हम लोग को। देखते हैं कौन सी कंपनी की हमें वॉच लेनी है। वॉच तो टाइटन शॉप है, एक टाइटन शॉप है, टाइटन शॉप यस ये टाइटन शॉप है। एंड हम लोग पहुँच गए अभी टाइटन शॉप में। सो गाइज अभी आ चुके हैं हम टाइटन वॉच में एंड सदर के पास में हैं। एंड आंसू बताने वाली क्यों आए हैं। सो आंसू इधर आ, क्यों आए यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि हमारा दो दिन बाद हमारी है शादी की, दो सालगिरह एनिवर्सरी है, दो दिन बाद के कौन की चौथी एनिवर्सरी है। सो गाइज यहाँ पर आए टाइटन में आए हुए हैं एंड यहाँ पास आके थोड़ी सी वॉच लिए टाइटन की। सो आपको अनबॉक्सिंग तो नहीं दिखा सकते, अनबॉक्सिंग तब दिखाएंगे जब क्या होगी सालगिरह में जब गिफ्ट देंगे जिया जी को। सो फिलहाल हम यहाँ चलते हैं, यहाँ पर है और ये टाइटन का शॉप है। सो अच्छी खासी यहाँ पे एक से एक ब्रांडेड आपको टाइटन से लेके सोनाटा से लेके अच्छे अच्छे ब्रांडेड यहाँ पर वॉच मिल जाएगी। सो फिलहाल जल्दी से चलते हैं क्योंकि भूख इतनी तेज़ लगी है क्योंकि चाइनीज आने से खा के पेट नहीं भरा। सो घर का खाना होता है। सो गाइस फिलहाल ऐसा है कि यहाँ पर यदि आपको कोई सा भी अच्छा ब्राइडल में सामान से लेके यदि आपको अच्छा खासा क्या करवाना है पार्लर में, कोई सा भी मेकअप करवाना हो, यहाँ पर ब्रश मेकअप, HD मेकअप और नॉर्मल मेकअप, आपको हर प्रकार के मेकअप मिलेंगे। आपको अगर ओकेशन वाले मेकअप चाहिए जैसे कि शिव शंकर पार्वती कृष्ण भगवान, हर प्रकार के मेकअप यहाँ होते हैं क्योंकि पेंडेंट और आजकल क्या है कि ना ट्रेंड में चल रहा है, मतलब कि जैसे जैसे सीजन पर सीजन मिलता है, जैसे कि अभी आने वाला है रक्षाबंधन, रक्षाबंधन के हिसाब से अलग मेकअप होता है, देन इसके बाद गरबा मेकअप तो और भी अच्छा होता है मेरे गरबा का। इस बार तो अच्छी बात यह है कि गरबा का जो होने वाला ना बहुत बेसब्री से, सबको 2 साल गरबा नहीं हुआ था और इस बार भाई साहब क्या जो गरबा का ड्रेसअप भी चाहिए आपको, गरबे ड्रेस भी चाहिए आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। डिमांड है पेंटिंग फेस पर भी पेंटिंग उनके, यदि आपको यहाँ पे मोर और पिकॉक बनवाना हो या आपको एक साइड पिकॉक बनवा लो, एक साइड आपको क्या मोर के पंख बनवा वालों, सब रहेगा। और साथ ही आपको मैं कुछ प्रोडक्ट दिखाता हूँ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पर मैं जो भी प्रोडक्ट यूज करती हूँ सारा प्रोडक्ट मेरा प्रोफेशनल है, कोई भी टू कॉपी नहीं है, सारा ओरिजिनल प्रोडक्ट है मेरा। जैसे स्किन लाइट है, रागा है, D10 है, फेस वॉश भी मेरे सारे हर्बल हैं, हर प्रकार के फेस वॉश है मेरे पास, D10 से लेके रागा से लेके मतलब हर प्रकार का है यहाँ पर। ये मेरा सारा स्पा का प्रोडक्ट है, यहाँ पर मेरा मॉइस्चराइजर एंड शैम्पू का प्रोडक्ट है, किट भी मेरे पास हर प्रकार की अवेलेबल है। जैसे काफ़ी पार्लर में क्या होता है 2-4 किट रख लेते हैं क्योंकि ऑप्शन नहीं होता है, हमारे पास जब तक ऑप्शन नहीं होगा हम कैसे
अपने क्लाइंट को खुश करेंगे, इसलिए हमारे पास इतना ऑप्शन होना चाहिए, इतने प्रोडक्ट का ऑप्शन होना चाहिए कि हम खुश करें। मतलब कहने का मतलब जो भी आपके पास आएगा आपने सेटिस्फाई होकर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर ट्रीटमेंट भी होता है आपको, फेस से लेके हेयर से लेके हर प्रकार का, नेल से लेके हर प्रकार का ट्रीटमेंट होता है। कुछ समय बाद मैं टैटू का भी काम शुरू करने वाली हूँ गाइस, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings. So कल पानी गिरने से देख सकते हैं लाइट के ऊपर जो देख रहे हैं जो पंख्यारी आ गई ना, तो जो पंख्यारी आ जाती है इस वाली सीज़न में, जो पहली पहली जो बरसात होती है, पहली वाली बरसात में जैसे हुई और भैया ये पंख्यारी आना चालू। गाइस 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 लगता है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है। और भैया यहाँ पर लाइटिंग भी नहीं है ना, यहाँ पर लाइटिंग भी नहीं है और गाड़ी इतनी तेज़ी से चलाते हैं लोग बाग, सो लगभग अच्छा खासा तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है स्कूटी से। ओहो हो हो भैया, इसलिए बोलते हैं जब भी आप चलाइए हेलमेट पहन के चलाइए और शेफ चलिए। सो खासकर यहाँ पर इस वाली रोड में लाइटिंग बिल्कुल नहीं है, यदि मैं लाइट बंद कर देता हूँ देख सकते हैं यहाँ पर लाइट बिल्कुल नहीं है और लोग बहुत से लोगों के गाड़ियों में ना लाइट रहती ही नहीं है। सो ऐसे में अचानक से सामने कोई आता है ना, जैसे हमारे सामने कोई बंदा आ जाएगा बिना लाइट वाला, तो हम तो भाई उनसे भिड़े जाएंगे क्योंकि हमको दिखेगा ही नहीं वो बंदा। सो ऐसे मुझे ना अभी दो तीन लोग मिले। सो गाइस आप सेफली चलाएं बाइक को। सो गुड मॉर्निंग गाइस, नए दिन की शुरुआत और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। होप करता हूँ कि अभी तक जितना ही ब्लॉग आपने देखे वाले तो काफ़ी आपको आनंद आया होगा, मज़ा आया होगा और कोशिश करूँगा अच्छे अच्छे नए नए राइड निकालने की। और मानसून तो आ ही गया है और कोशिश करेंगे अच्छे अच्छे नए नए कंटेंट निकालने के लिए। सो गाइस अभी ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ, जितने के लिए जय हिंद वंदे मातरम। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आपने अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाकर एक बार सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। और मिलते हैं ऐसी अच्छी वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन बाय 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 बाय।